नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल कौशिक आपका दोस्त फिर से हाजिर हूँ आज की निफ्टी एनालिसिस सीरीज की अगली वीडियो लेके। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पुरानी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। जैसा कि कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि निफ्टी कुछ 730 के आसपास जाके वहाँ से करेक्ट कर सकती है, और देखिए वही हुआ एग्जैक्टली 715-16 के आसपास निफ्टी जाने के बाद से वहाँ से धड़ाम हो गई। और देखिए दोस्तों, ये सब एक्सपीरियंस से आता है, ओवरनाइट कुछ भी नहीं आता है। और ये मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ, और बिल्कुल नहीं चाहता कि आप मेरे बातों को बिल्कुल आंख बंद करके कान बंद करके मान लें, अपने एडवाइजर से सलाह लें, अपने ब्रोकर से सलाह लें, आप जिस एनालिस्ट को मानते हैं उससे उसकी सलाह लें, उसके बाद ही कुछ आगे बढ़ें। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों में, अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल बटन प्रेस करें ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक टाइम से पहुँचते रहे। तो आज की हमारी निफ्टी एनालिसिस सीरीज का आज 29 मई है दोस्तों, और आज की 29 मई की वीडियो आपके सामने हाजिर है। चलिए दोस्तों, हम अपने चार्ट चार्ट पे जाते हैं। देखिए चार्ट कैसे बिहेव कर रहा है। देखिए दोस्तों, ये 15 मिनट का चार्ट है आज का। हर 15 मिनट के बाद सेलिंग 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 और सेलिंग बरकरार है। चलिए कोई बात नहीं, हम वन डे चार्ट देख ले। वन डे चार्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है दोस्तों। वन डे चार्ट में आप देखेंगे कि अभी भी बाइंग है। ये 1 2 3 4 5 6 7 सात दिन की मंदी के बाद, 7 दिन की लगातार सेलिंग के बाद, ये पिछले 3 सेशन से बाजार तेज हो रहा है। और आज अगर आप देखेंगे तो जो बाजार ने ओपनिंग दी उसके बाद बाजार तेज हुआ। तेज होने के बाद ये देखिए हाई है, हाई 714 के आसपास जाने के बाद उसने वापस करेक्शन दिया दोस्तों, ठीक है, करेक्शन दिया दोस्तों। और मजेदार बात ये है कि जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो अभी थोड़ा सा हल्का सा 15 मिनट में आप देखें तो सेलिंग है। वन डे चार्ट में अभी भी बाइंग है, बट थोड़ा सा वीकनेस दिखा रहा है। आवरली चार्ट में भी सेलिंग है दोस्तों, आवरली चार्ट पे भी सेलिंग है। और मेरे इंडिकेटर, जो मेरे प्यारे इंडिकेटर्स हैं, वो बिल्कुल क्लियर कट बोल रहे हैं कि हाँ, ये फिर से एक करेक्शन की स्टार्ट हुई है। करेक्शन में मेरे कहने का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि बहुत बड़ी घनघोर मंदी आने वाली। हाँ, जो एक रैली चल रही थी उस रैली पर ब्रेक लग चुका है, उस रैली का ब्रेक। अब जो तो कोई ऐसी पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती जो इस रैली को वापस पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे, तो हमें कुछ दिखाई देता नहीं ऐसा कोई साइन। टेक्निकली हम बात कर रहे हैं तो बाजार थोड़ा सा मंदा दिखाई दे रहा है। चलिए दोस्तों, हम देख लेते हैं कि ऑप्शन चार्ट इंटरेस्ट क्या कह रहा है। हम ये एनएससी की साइट है और यहाँ पे ऑप्शन चेन इंटर का जो डेटा है वो देख लेते हैं दोस्तों। बड़ा ही मज़ेदार डेटा चल रहा है, बहुत ही मज़ेदार डेटा। 10,500 की जो पुट है उस पे 11 लाख कॉन्ट्रैक्ट अनवाइंड हुए हैं। यहाँ पे कोई भी सिचुएशन ऐसी, मतलब ये जो मैं हमेशा कहता हूँ कि ये कुल कॉल पुट का जो ओपन इंटरेस्ट का चार्ट है, ये कॉन्ट्रेरियन इंडिकेटर जिसे मैं मानता हूँ। टोटल अगर हम देख लें तो टोटल में 3 करोड़ 20 लाख कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट ऐड हुआ है टोटल अभी तक का, और 3 करोड़ 85 लाख के आसपास, जो कल 4 करोड़ 20 लाख के आसपास था पुट साइड में, जो घटा है। मतलब जो तेजी के संकेत थे वो अब हल्के हल्के मंदी के संकेतों में बदल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और 12,61,000 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं 10,700 की कॉल के अंदर, मतलब 10,700 से ऊपर बाजार नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ की कॉल राइटिंग हुई है जबरदस्त, 11-12, और 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट 7 लाख कॉन्ट्रैक्ट के आसपास राइटिंग हुई है 650 में, और 4 लाख 4.5 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट की कॉल राइटिंग हुई है 600 में। मतलब बाजार 600 से ज्यादा तेज नहीं दिखाई दे रहा है, और 500 से ज्यादा मंदा नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे आप भी समझ जाएंगे इसको कैसे एनालिसिस करना है, आप जुड़े रहें। हम अपना जो एक और डेटा ऐड करते हैं वो देख लेते हैं। 28 मई का डेटा था अभी तक, मैं इसमें आज का डेटा ऐड नहीं हुआ है, थोड़ा और शाम को देखेंगे तो शायद पता लग जाएगा। कि आप देखते रहिएगा इसमें कि आज 29 तारीख को ये FIs का डेटा कैसा रहा। देखिए दोस्तों, इन सभी तीनों डेटा से बहुत क्लियर चीज़ दिखाई दे रही है। एक्सपायरी जैसे पास है 31 तारीख को, बाजार बिल्कुल ही एक रेंज में रहने वाला है। मतलब 500 और 700 के बीच में बाजार झूलने वाला था, 400 से बड़ा 713 तक गया हम, और उसके बाद लगातार नीचे है। चलिए हम एक और इंडिकेटर इसमें लगा के देख लेते हैं, जिसमें हम ये देखेंगे कि कोई रिट्रेसमेंट कैसी हो रही है। चलिए फिबोनाची को यूज़ कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, अभी ये 417 का लो हुआ था, और हाल फिलहाल में ये 900 के आसपास का हाई लगा था। देखिए दोस्तों, ये अब अगर यहाँ से बाजार ने 733, जो 61.88% रिट्रेसमेंट 612 पे हुई थी, 50% रिट्रेसमेंट 672 पे, और 82% रिट्रेसमेंट अपना 32% रिट्रेसमेंट हुई 10,733 पे, उसको बाजार क्रॉस नहीं कर पाया और बाजार वहां से गिरने लगा है। अगर बाजार वहां से गिर रहा है तो लेवल से, अगर हम एक लेवल को मान लें तो यहां से 672 एक बड़ा मेजर रेजिस्टेंस है। अगर इसको तोड़ दिया है इसने तो फिर 600 के तरफ वापस बढ़ जाता है, और 600 को अगर नहीं मेंटेन करेगा तो वापस 500 साढ़े 500 के आसपास बनना चाहिए। जो कॉल पुट का जो ओपन इंटरेस्ट चार्ट है वो यही सजेस्ट कर रहा है कि बाजार 500 और 600 साढ़े 600 के आसपास बाजार रहना चाहिए।
चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आज की फाइनल आउटकम ये दिखाई दे रहा है कि कल भी शायद बाजार में सेलिंग बनी रहनी चाहिए। देखते हैं कल बाजार कैसे बिहेव करता है। नया दिन, नया चार्ट, नए रूल्स, नए न्यूज़, नए व्यूज़। ठीक है, तो आज के एनालिसिस को हम यहीं विराम देते हैं दोस्तों। बने रहें और ऐसे ही पसंद करते रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू, गुड नाइट।